धन लुटा रही है तुम्हारी माँ। अगर दान पुण्य इसी तरह से चलता रहा ना तो बहुत जल्दी हवेली की तिजोरी पे कौवे बैठने लगेंगे। तुम्हारी बात बिल्कुल सच है कुमुद, पर मैं माँ को कैसे रोक सकता हूँ? तुम एकदम बोकर है बाबा। तुम नहीं रोक सकते, लेकिन मैं तो रोक सकती हूँ। तुम रोकोगी, पर कैसे? तिजोरी की चाबियां तुम्हारे पास? माँ कब से ढूंढ रही थी? लाओ मैं। कुमुद, तिजोरी की चाबियां मैंने छुपाई हैं। अगर कोई तुमसे पूछे तो तुम ये कहोगे कि चाबियां खो गई हैं। तिजोरी की चाबियां खो गई हैं। और तिजोरी में से सारी दौलत भी गायब हो गई है। चाबियां और दौलत। अरे देवर जी, आप इतनी सुबह सुबह कचहरी में, और ये शराब, आपको इस हवेली की इज्जत का कोई ख्याल है या नहीं? लोग क्या कहेंगे, माँ क्या सोचेंगी? चाबियां चुराते वक्त आपने ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, छोटी माँ क्या सोचेगी? पुरखों की दौलत है ये, इस तरह शराब में नहीं लुटाते देव। पुरखों की चाबियां हैं ये, इस तरह नहीं चुराते। एक बात मैं कह देती हूँ, चाबियां तो मैं किसी हालत में किसी को नहीं दूंगी। चाबियां तो आप देंगी, आज ही, अभी, इसी कमरे में, माँ के हाथ में। इतनी कमजोर भी मत समझिए देवर जी, मैं भी ठाकुरों के खानदान की हूँ। इससे बड़ी बड़ी तिजोरियां देखी है हमने अपनी हवेली में। पर इस हवेली का पागलपन कहाँ देखा आपने? ये क्या कर रहे हो देव? भैया ये तो आप मानते हैं ये हमारे पुरखों की दौलत। हाँ मानता हूँ। और इस दौलत पर जितना हक आपका है उतना ही मेरा भी है। हाँ हाँ, लेकिन ये शराब क्यों डाल रहे हो तुम? मैं अपने हिस्से की दौलत जला रहा हूँ, तुम चाहो तो अपना हिस्सा बचा लो। देव, देव तुम्हें जो चाहिए मांग लो, मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। फिलहाल सिर्फ चाबियां। वो तो तुम्हें मिलने से रही। कुमोद चाबियां दे दो इसे, वरना ये पूरी कचहरी जला देगा। करने दो इसे जो करना चाहता है, मैं ऐसी झूठी धमकियों से नहीं डरती। चाबियां दे दो, वो पागल हो गया है। तुम भी पागल हो रही हो। चाबियां दे दो। तुम्हारा सिर्फ यही हिस्सा है देव। इस हवेली ने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। हम सब तुम्हारी बर्बादी में जिम्मेदार हैं। इसके पहले कि तुम्हें हम और बर्बाद करें, यह हवेली छोड़ दो देव, छोड़ दो। बाबूजी ने कहा गांव छोड़ दो, सबने कहा पारों को छोड़ दो, पारों ने कहा शराब छोड़ दो, आज तुमने कह दिया हवेली छोड़ दो। एक दिन आएगा जब वो कहेगा दुनिया ही छोड़ दो। माँ, इस हवेली के किसी हिस्से पर मेरा कोई हक नहीं, पर मैं तुम्हारा हिस्सा हूं, और ये हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता।